Hello friends, welcome to my channel Tayari UPSC and UPPSC. Today we will discuss about prehistorical geographical thought. प्रागैतिहासिक जो भौगोलिक विचारधाराओं का इतिहास रहा उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. इसमें ग्रीक कंट्रीब्यूशन देखेंगे, यूनानियों का योगदान देखेंगे. ग्रीक कंट्रीब्यूशन प्रीहिस्टोरिकल आइडियाज़ या ग्रीक कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थाट. तो यूनानियों का योगदान क्या रहा है भौगोलिक विचारधाराओं में या भूगोल के विकास में, उसका यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे. तो इस वीडियो को देखने से पहले, आप यदि पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल के नए व्यूअर हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रेस करिए बेल आइकन को हमारे अगले वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए. और नेक्स्ट में देखिए, हमारा जो वीडियो रहेगा वो रोमन भूगोलवेत्ता पे रहेगा और फर्स्ट पेपर में प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड रहेगा. साथ ही आपको 10 ईयर का पर्यावरण यानी कि यूनिट 9 जन और पर्यावरण से साल भर रहेगा. यहाँ से लगभग 5 प्रश्न आते हैं, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम. और इस वीडियो पर आप कमेंट ज़रूर करिएगा यदि आपको पसंद आए, या फिर कोई भी आपको लगता है कि इसकी जगह ये होना चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर करिए. और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि उनको इसका लाभ मिल सके. चलिए यहाँ से हम देखते हैं हिस्टोरिकल हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थाट. प्राचीन शास्त्रीय इतिहास के बारे में है. प्राचीन शास्त्रीय काल, प्राचीन एवं मध्ययुगीन भौगोलिक ज्ञान का स्वरूप. इसमें देखिए, जो प्राचीन शास्त्रीय काल क्लासिकल पीरियड कहा जाता है वह 600 BC से 300 AD के बीच है, जिसमें रोमन भूगोलवेत्ता और यूनानी भूगोलवेत्ताओं के द्वारा जो भी विकास कार्य किए गए उसको सम्मिलित किया जाता है. प्राचीन यूनानी विद्वानों ने भूगोल में को विकसित करने में तीन क्रिया प्रणालियों का प्रयोग किया था. अब यहाँ देखते हैं हम कौन कौन सी तीन क्रिया प्रणालियाँ थी जो यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने यूज किया. एक तो ये था कि एक्सप्लोरेशन यानी कि अन्वेषण, मानचित्रण यानी मैपिंग, और परिकल्पना यानी एब्सिकुलेशन. यूनानियों के द्वारा किन क्षेत्रों में योगदान दिया गया है, यह कई बार पूछा जा चुका है कि यूनानी किस में योगदान दिए थे. तो इसमें देखिए, इनका जो इम्पोर्टेंट रोल रहा है वो मैथमेटिकल और फिजिकल ज्योग्राफी में रहा है. साथ ही इन्होंने ओरिजिनल ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में भी योगदान दिया है. तो इसको याद करने के लिए यहाँ पर एक ट्रिक बनाई गई थी कि रीमा फाई कार्टो ह्यूमन के. नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए प्राचीन भूगोलवेत्ता. अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम. प्राचीन भूगोलवेत्ता जो यूनानी वेत्ता हैं उनको देखने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि फोनिसियन वासी एक थे जो इनसे पहले वो थे. तो फोनिसियन वासी ये यहूदी व मिस्र वासियों के पश्चात फोनिसियन के नाविकों की संस्कृति और भौगोलिक ज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है. उन्होंने एशियाई कोचक यानी कि कोचक यानी तटीय टर्की, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल पर अधिकार कर लिया था. टायर और सैदोन उनके दो प्रमुख बंदरगाह व नगर थे. पैट्रिक गैडीज जो हैं वो 1100 ईसा पूर्व में उन्होंने स्थापित किया कि जब कार्थेज आधुनिक ट्यूनिस के निकट और यूटिका नगर की स्थापना लीबिया के उत्तरी तट पर लगभग 813 कब, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लगभग 813 ईस्वी में फोनिसियन ने कॉलोनियों के रूप में यहाँ पे व्यापारिक बस्तियाँ स्थापित की. चलिए अब हम देखते हैं यूनानी. यूनान के निवासी ज्ञान की अनेक शाखाओं के अग्रदूत रहे हैं. उनका काल यूनान का स्वर्ण काल गोल्डन एज ऑफ ग्रीस था. उन्होंने मिस्र, चल्डिया, असीरिया के निवासियों में खगोल विज्ञान, गणित, ज्यामिति में बहुत कुछ इन्होंने इनसे ग्रहण किया. मिस्रवासियों व सुमेरियन, यहाँ देखिए मिस्रवासियों और सुमेरियनों ने स्वच्छ आकाश के तले उपजाऊ समतल मैदान में ब्रह्मांड के पिंडों की स्थिति व भ्रमण आदि के बारे में अवलोकन के द्वारा अपार ज्ञान अर्जित किया. अति आरंभिक काल में भौगोलिक ज्ञान यूनान व एजियन सागर से घिरे द्वीपों तक, देशों व द्वीपों तक ही सीमित बना था. आगे है, हम यहाँ पे आते हैं कि 5वीं से 3री शताब्दी के बीच के समय में यूनानी कॉलोनियाँ भूमध्य सागर व काला सागर के विभिन्न भागों पर स्थापित हो गई थी. मिलेटस नगर जो है यह अपनी स्थिति और युगजीयन पर कॉलोनियों के कारण ही 5वीं सदी की में खगोल खोजबीन का प्रमुख केंद्र बना था. लीबिया के तट पर
हन्नों के अभियानों के पूर्व की ओर सिकंदर के विजय की यात्राओं का यूनानियों के द्वारा वर्णन किया गया था। यहाँ पे देखिए अलेक्जेंड्रिया पर स्थापित प्रसिद्ध पुस्तकालय ने जो यूनानी विद्वानों की प्रकृति के वहाँ के स्थानों और लोगों के बारे में अधिक ज्ञान अर्जन के लिए प्रेरित किया था। इसी पुस्तकालय म्यूजियम पर एराटोस्थनीज व हिप्पार्कस ने वैज्ञानिक अवलोकनों से पृथ्वी के आकार, आकृति और परिधि के बारे में निष्कर्ष निकालते थे। तो हिप्पार्कस और एराटोस्थनीज, ये अलेक्जेंड्रिया का जो पुस्तकालय था उसी में इन्होंने अध्ययन किया था। यहाँ पर देखिए इस काल को यूनान का स्वर्ण काल कहा जाए, गोल्डन एज ऑफ ग्रीस। मिलेटस 5वीं सदी का प्रधान केंद्र था क्योंकि यहाँ पे भूमध्य सागर और काला सागर में इस समय बस्तियाँ बस गई थी। एराटोस्थनीज हिप्पार्कस ने अलेक्जेंड्रिया में लाइब्रेरी में अध्ययन किया है। अब नेक्स्ट है कि यूनानी विद्वान में पहला विद्वान है होमर। होमर एक प्रमुख विद्वान है जिनकी रचनाएं हैं इलियड और ओडिसी। बहुत ही लोकप्रिय कवि यह था। इसकी कृतियों का प्रकाशन देखिए, यहाँ पे दो महाकाव्य हैं इसके, इलियड और ओडिसी। इसे ये ट्राजन के युद्ध की जानकारी देते हैं, ऐतिहासिक जानकारी भी इन्होंने दिया था। ऐतिहासिक भूगोल की ये मूल्यवान ज्ञात विषय की जानकारियाँ। होमर ने पृथ्वी को महासागर नदी के से चारों ओर से घिरा वृत्ताकार मानता था। तो उसने ये माना था कि महासागर नदी से चारों ओर घिरा हुआ वृत्ताकार ये माना था। वह आकाश को ठोस नतोदर तल की स्वर्गीय मेहराब समझता था और ये स्तंभ पर्वत एटलस पर्वतों के अधिकार में थे। होमर ने अपने कविताओं में कई बार व्यक्त किया कि सूर्य उदय महासागर नदी से होता है जो पुनः उसी में अस्त हो जाता है। उस समय किसी को यह जानने की चेष्टा नहीं हुई कि सूर्य अपनी यात्रा पुनः आरंभ करने और उदय बिंदु तक कैसे पहुंचता है। तारागणों की भी प्रतिदिन उदय अस्त की यही प्रक्रिया थी, वे भी महासागर जल में डुबकी लगाते थे, आखिर कैसे। जो यहाँ से महत्वपूर्ण है, चारों दिशाओं में इन्होंने प्रवाहित चार प्रकार की वायु के बारे में होमर ने वर्णन किया। पहले इन्होंने कहा बोरस। बोरस ये उत्तर की ओर बहने वाली वायु थी, आकाश को स्वच्छ बनाती थी। उसके बाद है यूरस, पूर्वी हवा थी, यह उष्ण और सरल हवा थी। नोटस जो दक्षिण से प्रवाहित होती है, तूफानी, आर्द्र और कभी कभी उग्र बन आगे बढ़ती थी। जेफायरस पश्चिमी हवा, यह भयंकर झंझावत और चिपचिपी थी। नेक्स्ट है होमर यूरोप और एशिया से अपरिचित थे, परंतु कुछ समय बाद यूरोप से इन्होंने एजियन सागर तट का जो है यूरोप का नाम का मतलब इन्होंने लगाया कि ये जिन। चलिए अब हम बात करते हैं थेल्स की। थेल्स महोदय 7वीं BC में इनका माना जाता है, बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले 7। अब थेल्स महोदय ये मिलेटस निवासी थे जिन्होंने पहली बार थेम्स महोदय ने पहली बार ज्यामिति में प्रमेय का जन्म दिया। इनका प्रमुख योगदान गणितीय भूगोल में रहा है। 580 BC में पृथ्वी की उत्पत्ति व नक्षत्रों पर इन्होंने पुस्तक लिखी थी। पृथ्वी को जल पर तैरती एक थाली जैसा माना था किसने, थेल्स ने। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हैं एनेक्सिमेंडर। ये क्रम पूछता है कि जैसे आपका ये पहले होमर हो गए, फिर थेल्स हो गए, फिर अब आते हैं एनेक्सिमेंडर। यूनानी भूगोलवेत्ता हम देख रहे हैं, इन्होंने एनेक्सिमेंडर ने ब्रह्मांड के विकास में अपना योगदान दिया। यह थेल्स का शिष्य था। थेल्स व एनेक्सिमेंडर को गणितीय भूगोल का संस्थापक भी माना जाता है। यूरोपवासियों को नोमोन जो बेबीलोन नियामी यंत्र था इससे परिचित कराया। यहाँ पे देखिए ये पूरा है एनेक्सिमेंडर, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गणितीय भूगोल का संस्थापक मानते हैं। यूरोपवासियों को नोमोन जो बेबीलोनियन यंत्र था इससे इन्होंने परिचित कराया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है नोमोन किसने
खोज किया था एनैक्जिमेंडर ने। इससे क्या होता है कि इससे दोपहर का सही ज्ञान व उत्तर दक्षिण दिशा की मध्यान्ह रेखा ज्ञात होती थी। इससे संसार का मानचित्र निर्माता होने का पहला श्रेय प्राप्त है। एनैक्जिमेंडर को पहला मानचित्र निर्माता होने का श्रेय प्राप्त है। इन्होंने मानचित्र को मापक पर तैयार किया था। इसमें यूनान को इन्होंने विश्व केंद्रों में दिखाया जो वृत्ताकार व महासागरीय नदी से घिरा था। तो पहला इन्होंने मानचित्र मापक पर मानचित्र तैयार किया, किसने? एनैक्जिमेंडर ने। आगे देखिए हिकैटियस। हिकैटियस 500 BC मिलेटियस के निवासी ये भी थे और यूनानी गद्य का प्रथम लेखक भी ये थे। इनकी पुस्तक है जस पीरियोडस। विश्व का पहली बार व्यवस्थित वर्णन है, अतः इसे भूगोल का पिता कहा जाता है हिकैटियस को। इस पुस्तक में प्रथम खंड में यूरोप, दूसरे में एशिया का वर्णन है। अफ्रीका का भी वर्णन इसमें मिलता है। इनकी दूसरी बुक का नाम है पेरिप्लस। ये तटीय सर्वेक्षण की पुस्तक थी। ज्ञात वास के क्षेत्रों को का वर्णन इन्होंने प्रस्तुत किया। इस प्रकार प्रादेशिक भूगोल का आरंभ हुआ। यह नील नदी के स्रोत को दक्षिण महासागर में मानता था। नेक्स्ट देखिए हेरोडोटस। हेरोडोटस महोदय 485 से 425 BC में आए। तो हमने क्रम देखा कि पहले कौन थे, होमर हो गए, फिर थेल्स हैं, फिर एनैक्जिमेंडर हैं, फिर आ जाते हैं हिकैटियस और अब हेरोडोटस। यह प्रथम वह अंग्रेज इतिहासकार था। इतिहास के पिता के रूप में इसे जाना जाता है। इसने ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक स्वरूप प्रदान किया। इनकी मान्यता क्या रही है? समस्त इतिहास का विवेचना भौगोलिक दृष्टि से और भूगोल का विश्लेषण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। आगे हैं मानव विज्ञानी इसे अग्रणीय प्रजाति वैज्ञानिक यानी एंथ्रोपोजियोग्राफर मानते हैं। यह हेलेन संस्कृत के केंद्र एथेंस में रहा। यह मार्मरा सागर वास्फोरस जल संधि एशिया माइनर से परिचित था। इन्होंने खुद के देखने के बारे में वर्णन किया था, न कि सुनी हुई चीज़ों के बारे में। यानी कि इन्होंने ये हेरोडोटस महोदय ने फील्ड में जाके वर्क किया, न कि किसी के सुने हुए पे, जैसे कि टेलर महोदय ने किया था। ये दार्शनिक संप्रदाय के पैथागोरियन संप्रदाय का अनुयायी था। इसके विचार जो है होमर से मिलते थे, यानी कि हेरोडोटस और होमर के विचार लगभग एक दूसरे से मिलते थे। इसने विश्व मानचित्र पर यामोत्तर रेखा खींचने का प्रयास किया। इसने एशिया अफ्रीका की यात्रा कर लाल सागर द्वारा पृथक होना बताया। इसने माना कि पृथ्वी पर तीन महाद्वीप हैं, यूरोप, एशिया और लीबिया यानी कि अफ्रीका। तीन महाद्वीप यूरोप, एशिया और लीबिया, और अफ्रीका लीबिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है अफ्रीका को पुनः इन्होंने तीन भागों में बांटा। इन्होंने क्या किया कि अफ्रीका को तीन भागों में, एक है भूमध्य सागरी तट, दूसरा है जंगली मनुष्य का क्षेत्र, तीसरा है सहारा का मरुस्थल। इन्होंने मानवीय कार्यों को समझने के लिए घटना और वातावरण के संबंधों को महत्वपूर्ण माना। इम्पॉर्टेंट है ये, अतः यहीं से वातावरणवाद का आरंभ हुआ। तो हेरोडोटस के समय से ही वातावरणवाद का यही आरंभ हुआ था। इसने नील नदी के मुहाने का अध्ययन कर सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। डेल्टा शब्द का प्रयोग इन्होंने किया नील नदी के लिए। आगे हैं अरस्तु महोदय। अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल 384 से 322, हेरोडोटस के बाद अरस्तु आते हैं। यह दार्शनिक, तर्कशास्त्री, राजनीति शास्त्री, जैव विज्ञानी, गणितीय भूगोल में इन्होंने योगदान दिया। अब आते हैं अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ये अरस्तु के शिष्य हैं। इनका जन्म 356 BC में हुआ है। 20 वर्ष में ये मकदूनिया के शासक बने। कौन? अलेक्जेंडर। और 332 BC में मिस्र में अलेक्जेंडर नगर इन्होंने बसाया था। अरबेला का युद्ध हुआ था।
यह अलेक्जेंडर और डेरियस जो फारस का था इसके बीच हुआ था। बीस वर्ष में मकदूनिया का शासक बना। मिस्र में अलेक्जेंडर नगर बसाया 332 BC में। अरबेला का युद्ध हुआ था सिकंदर डेरियस प्रथम में और इसमें सिकंदर विजयी हुआ था। सिकंदर जो इसका पीछा करते हुए एल्बुर्ज तक आया था। 323 में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हैं थियोफ्रेस्टस महोदय। अरस्तु के शिष्य हैं थियोफ्रेस्टस और अलेक्जेंडर भी अरस्तु का ही शिष्य था। जलवायु के संबंध में इन्होंने वनस्पति और जलवायु के परीक्षण के बारे में बताया। इस प्रकार वनस्पति भूगोल का आरंभ जो है बायोजोग्राफी जो है भूगोल का पिता इन्हें माना जाता है। यानी कि थियोफ्रेस्टस को बायोजोग्राफी का फादर माना जाता है। आगे हैं इराटोस्तनीज महोदय, इम्पॉर्टेंट है। इराटोस्तनीज 276 से 194 BC तक ये रहे हैं, पीरियड रहा है। तो इराटोस्तनीज यहाँ पे हैं, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ हैं इराटोस्तनीज महोदय और खगोल शास्त्री भी हैं। जियोडेसी मापन एक शास्त्र का, जियोडेसी और नोमोन का किसने दिया था, नोमोन ये बेबीलोनियन यंत्र था, इसको किसने बताया था अभी आपको हमने बताया था। और जियोडेसी अलेक्जेंडर ने उसको बताया और इलेक्ट्रोस्टेनी ने जियोडेसी के बारे में बताया। इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी के लिए भूगोल शब्द दिया था। इराटोस्तनीज ने भूगोल शब्द सबसे पहले पृथ्वी के लिए दिया था। पहली बार इन्होंने पृथ्वी की परिधि को मापने का कार्य किया था जो 86% शुद्ध है। इनकी रचना थी जियोग्राफिया, गणितीय भूगोल, जियोग्राफिया और गणितीय भूगोल। पहला वैज्ञानिक वेत्ता था जिसने भूमध्य रेखा की लंबाई को शुद्ध व सही तरीके से मापा। अक्षांश और देशांतर का पहली बार मानचित्रों पर प्रयोग किया था तो इराटोस्तनीज महोदय ने ही किया था। आगे है विश्व का विस्तार। उत्तर दक्षिण की तुलना में पूर्व पश्चिम की ओर अधिक है। जलवायु के कटिबंध इन्होंने बताए थे, उष्णकटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पे इन्होंने देखिए दो दो डिवाइड किए थे, उष्ण को एक, शीतोष्ण को दो भागों में और शीत कटिबंध को दो भागों में। तो जाहिर सी बात है इनका ये एग्जैक्ट मानना था। जैसे आप मान लीजिए ये सपोज दैट हमने वर्ल्ड का ये ग्लोब ले लिया 0 degree पे, ये आपका यहाँ से यहाँ तक लगभग 30 degree के आसपास का जो ये विषुवत रेखा में आता है यानी कि उष्णकटिबंध में आ गया दोनों गोलार्धों में। उसके बाद यहाँ से आपका शीत कटिबंध, ये शीतोष्ण कटिबंध हो गया, इधर भी शीतोष्ण हो गया। फिर इसके ऊपर आएंगे यहाँ पे आपका शीत कटिबंध दो दो हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है भूगोलवेत्ता, यूनानी भूगोलवेत्ता पॉलीबियस। पॉलीबियस महोदय 210 से 218 BC के आसपास के हैं, ये 218 से 210 BC। इनकी रुचि रही है भौतिक भूगोल में। इन्होंने नदियों द्वारा घाटियों के अपरदन, बाढ़ों, निक्षेप द्वारा डेल्टा निर्माण का वर्णन किया था पॉलीबियस महोदय ने। नेक्स्ट हैं हिप्पार्कस महोदय, ये महत्वपूर्ण है। हिप्पार्कस महोदय खगोल शास्त्री थे जिसने विषु यानी इक्विनॉक्स की स्थिति को बताया। तारागणों की प्रथम ज्ञात सूची का संग्रहकर्ता भी ये थे। आरंभिक त्रिकोणमिति के स्वरूप का निर्धारण इन्होंने ही किया। अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था। अक्षांश व देशांतर की रेखा जालों को मानचित्र पर इन्होंने बनाया। अक्षांश देशांतर की सहायता से किसी स्थान विशेष को निर्धारित करने का कार्य सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। अक्षांश और देशांतर की सहायता से किसी स्थान को निश्चित करने, और पहली बार जो अक्षांश देशांतर का मानचित्र पर प्रयोग इराटोस्तनीज महोदय ने किया था। नक्षत्रों के बोध के लिए चक्र यंत्र यानी एस्ट्रोलैब इंपॉर्टेंट है। जियोडेसी, इराटोस्तनीज, एस्ट्रोलैब किसने किया, हिप्पार्कस ने।
यहाँ से तीन चीज़ इम्पॉर्टेंट, एस्ट्रोलैब, जियोडेसी और नोमोन। आगे देखिए अजीरियन, नेक्स्ट है अजीरियन अंगणित के हिसाब से वृत्तों को 360 में विभाजित करने वाला प्रथम व्यक्ति था। इम्पॉर्टेंट है ये भी और यहाँ ये भी, दो चीज़ें। एस्ट्रोलैब, किसने पहली बार वृत्त को 360 डिग्री में डिवाइड किया, विषुवत रेखा तथा जीरो डिग्री देशांतर, यानी कि विषुवत रेखा और जीरो डिग्री देशांतर को बृहद वृत्त बताया। साथ ही इन्होंने यह भी बताया कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांश की लंबाई कम होती जाती, ये भी इन्होंने सही बताया था। इसने त्रिविम्ब प्रक्षेप तथा आर्गोग्राफिक प्रक्षेप की रचना की, इम्पॉर्टेंट है ये। किसने की थी, हिपार्कस ने त्रिविम्ब प्रक्षेप और आर्गोग्राफिक प्रक्षेप की रचना। नेक्स्ट देखिए पोसिडोनियस मेला है। पोसिडोनियस मेला जी ये 135 से 50 BC के आसपास रहे हैं। भौतिक भूगोल का पिता इन्हें कहा जाता है। ज्वार भाटा और पृथ्वी की परिधि, लंबाई, महासागरों की गहराई, यूरोप के दक्षिण तटवर्ती क्षेत्र, आंतरिक भागों की आबादी के लक्षण, मैदानों के निर्माण, दक्षिणी फ्रांस में मिलने वाले छोटे छोटे गुलास्म का बहुत सूक्ष्म दृष्टि इन्होंने प्रेक्षण किया था। इन्होंने ये बताया कि अमावस्या पूर्णिमा को सबसे ऊंचा ज्वार आया था। इम्पॉर्टेंट है, पोसिडोनियस मेला ने सबसे ये पहले ही बताया था कि अमावस्या और पूर्णिमा को ही उच्च ज्वार आते हैं। इतिहासकार व भूगोलवेत्ता ये दोनों थे। अरस्तु के इस विचार को इन्होंने नकार दिया जिसमें कहा गया था कि उष्णकटिबंधीय विषुवती भाग मानव बसाव योग्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए हम इसमें देखेंगे, तो अब इतना ही। अगला जो है आपको मिलेगा रोमन भूगोलवेत्ताओं के महत्वपूर्ण योगदान से, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बाद आपको एक जो थॉट से क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें सिद्धांत और बुक्स से रिलेटेड प्रमुख क्वेश्चन, लगभग 120 प्रश्न है हमारे पास, उसको आपको सॉल्व कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।